कटिंग करने बताएंगे। अस्तर वाला ब्लाउज है तो पहले हम अस्तर वाला ब्लाउज में पहले अस्तर को काटते हैं। याद रखिए कि अस्तर वाला ब्लाउज में हम अस्तर काटते हैं। ये हमारा 34 नंबर ब्लाउज है, तो 34 नंबर ब्लाउज के लिए हम 34 प्लस 4 लेंगे, यानी 38 इंच होगा। तो 38 इंच इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा 4 इंच मार्जिन सिलाई में जाता है, 2 इंच इस साइड बैक साइड जाता है, देखिए 2 इंच इधर जाता है और 2 इंच इधर जाता है। ठीक इसकी हम लंबाई देखिए, ये हमारा 12.5 इंच पर है, तो हम 12.5 इंच नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया। और ये ब्लाउज छोटा होता है, जो नाप दिया है तो उसको लंबाई बढ़ाना है, तो यानी हम 13.5 इंच पे लेंगे। तो अभी हम क्या लेंगे, 15 इंच पे लेंगे क्योंकि हमको मोड़ना है। तो पीछे पल्ला क्या करेंगे, हम 14 इंच ले लेंगे, 14.5 ले लेंगे, आगे 15.5 ले लेंगे। और इसे हमारा 9.5 पे कटिंग होगा, 10.25 पे। तो हम काहे 10.5 पे लिए हैं क्योंकि बाद में आदमी मोटा वोटा हो जाता है तो ब्लाउज बेकार हो जाता है, तो इसलिए हम कपड़ा को एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हमारा सिलाई में अथी हो जाए। उसके बाद देखिए 5.5 इंच पर हम बाजू लेंगे, 5.5 इंच लेके हम इस तरह करके हम गोलाई देंगे। गला के लिए हम 2.5 इंच लेंगे और डीप गला हम गला देख लेंगे कि हमारा ये गला कितना पर है, तो इस गला के आधार से ही हम गला बनाएंगे। तो इस गला को हम देखेंगे, तो ये देखिए हमारा 9.5 पर है, तो हम 9.5 पर ही लेंगे। 9.5 पे लेके देखिए इस तरह करके हम, ये हमारा देखिए ये हो गया। और इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम डीप देंगे, कलश डिजाइन बनाएंगे। तो कलश डिजाइन बनाने के लिए ये देखिए हमारा इस तरह करके हल्का डीप देंगे, ज्यादा डीप नहीं देंगे। उसके बाद हम कपड़ा को, ये वाला कपड़ा को हम कट कर लेंगे। ये कपड़ा को हम कट कर लेंगे। ये हमारा क्या हुआ, हल्का सा शेप दिए हैं कलश का, ज्यादा नहीं दिए हैं क्योंकि जो मेरा कस्टमर का है वो हल्का शेप बोला है देने के लिए, ज्यादा नहीं, इसीलिए हम हल्का शेप दिए हैं। उसके बाद हम आगे पल्ला कटिंग करने बताएंगे आपको, और इसमें हम लैस बैठाएंगे। हम आगे पल्ला भी हम 6 पे ही लेंगे, जिस तरह ये है सेम इसी तरह लेंगे। बाजू के लिए 5.5 इंच लेंगे और इस तरह करके हम गोलाई मिलाएंगे। कंधा के लिए हम कंधा के लिए हम 2.5 लेंगे, जो गला के लिए 2.5 लिए हैं। और आगे पल्ला हम 5.5 पे लेंगे, और यहाँ भी हम गला देख लेंगे कि आगे गला के क्या लेंथ है। तो ये हमारा 5 पर लेंथ है। और इस तरह करके हम गोलाई सिल देंगे। पीछे पल्ला 14.5 लिए थे, तो आगे पल्ला हम 15.5 लेंगे।
लिख सकते हैं टुकी के लिए हम पहले टुकी का नाप लंबाई नाप लेंगे कि टुकी का पार्ट किस जगह है। तो टुकी का पार्ट हमारा 10 इंच पर है, ये देखिए हमारा 10 इंच पर है, तो हम 10.5 लेंगे क्योंकि तो हमारा 1 इंच सिलाई में जाता है और इस जगह ऐसे करके हम हल्का मोड़ लेंगे। और टुक्की जो कर जो उसे बैठता है आगे से 5.5 लेंगे और बाजू से 3 या 2.5 लेंगे, तो हम 3 लिए हैं देखिए। और इस तरह करके जिस तरह शेप दिए हैं उस तरह कट कर लेंगे। ये टुकी कट गया है मेरा, अब टुकी का साइड काटेंगे। तो ये है टुकी का, दोनों रख लेंगे कपड़ा ऊपर नीचे, और ये हमारा टुकी का साइज है। तो देखिए इस पर करके हम निशान लगा लेंगे। हमारा टुकी का डबल टुकी है, पार्ट 1 कट गया है टुकी का। टुकी में डबल टुकी में कटता है डबल, ये नीचे साइड है तो नीचे को भी इस तरह पार्ट ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए ये हम कट के लिए हैं, ये वाला हो गया। अब हम आपको बाजू काटने बताएंगे, तो बाजू के लिए इस तरह कपड़ा मोड़ेंगे और बड़ा हो गया इस तरह करेंगे और ये वाला इस तरह करेंगे, देख सकते हैं। बाजू की लंबाई ये देख लेंगे कितना पर है, ऐसे हमारा बाजू की लेंथ है 4 इंच पर है, तो हम 6 इंच लेंगे क्योंकि तो हमारा सिलने में थोड़ा कपड़ा जाएगा। देखिए हम कट कर लिए हैं, ये हमारा बाजू हो गया। इस एक्स्ट्रा कपड़ा में हम पट्टी निकालेंगे, काट पट्टी निकालेंगे। देखिए
ये हमारा काट पट्टी निकल गया। के लिए कपड़ा कट करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा को हटा देंगे। ये हमारा गला पट्टी कट गया है, इसको हम मोड़ देंगे। इस पार्ट को हटा दे रहे हैं क्योंकि अभी इसका काम नहीं है, अब काम रह गया है ब्लाउज का। ठीक है, हमारा देखिए ये ब्लाउज का कपड़ा है। हम अस्तर आपको हम पहले बोले कटिंग कर लिए हैं, तो इस जगह हम ऐसे करके अस्तर को रखेंगे। इस तरह कपड़ा रखेंगे, अस्तर वाला ब्लाउज में पहले अस्तर काटिएगा, एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा झरक के काटिएगा। काटने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट कर देंगे। तो ये हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे ताकि हमारा कपड़ा कटिंग होने के बाद कट हो जाए। ये देखिए इस और कपड़ा कट कर लीजिए। मैं गला कपड़ा को हम नीचे पट्टी को सेम देखिए जिस तरह रखे हैं कपड़ा को उसी तरह कट ले जाएंगे, रख ले जाएंगे। ये हमारा एक पार्ट कट गया, अब इस पार्ट में थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के हम ये कट कर लेंगे। ये टुकी कट गया है, अब आपको हम टुकी काटने बताएंगे। टुकी के लिए कपड़ा छोटा है तो देखिए एक पट्टी निकला है। उसके बाद हम बाजू पहले निकाल लेते हैं, देख सकते हैं। और बाजू के लिए उसके बाद इस तरह करके हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह करके हम काटेंगे। आप देख सकते हैं टुकी ये है, इस तरह बराबर कपड़ा लेकर हम ये हमारा टुकी कट गया है। हमारा ये नीचे वाला साइड का है, ये
चाहिए, हमारे इसमें दो कपड़ा चाहिए, ठीक है, दोनों कपड़ा हो गया। और ये हमारा काट पट्टी के लिए हो गया, हुक पट्टी के लिए, काट पट्टी के लिए यहाँ कपड़ा कटा हुआ है। तो देखिए हमारा कपड़ा नहीं बचता है, कोई बोलता है कि कपड़ा बचता है तो मोटा आदमी नहीं हेती होता है, इसमें हम उनका ज्वाइंट करके और इधर काट पट्टी हम निकाल देंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया, और ये हमारा ये बाजू में ज्वाइंट हो जाएगा, और ये हमारा डोरी का नीचे वाला पार्ट इसमें हो जाएगा, कुंदनी लग जाएगा। मेरा ब्लाउज कटिंग हो गया है, आपको मेरा वीडियो कटिंग करना कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करके बताइएगा, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम ये समझ में नहीं आया, दी ये समझ में नहीं आया, या फिर कोई डाउट है, परेशानी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, तो इस वीडियो का आप 1 मिलियन लाइक तक पहुँचा दीजिएगा, और इस वीडियो इस चैनल खुशी लेडीज टेलर को आप 1000 सब्सक्राइब तक पहुँचा दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर कीजिएगा, और बाय बाय। एंड जिससे कि इस वीडियो में, हर एक वीडियो में हम पार्ट 1 में कटिंग करना बताते हैं एंड पार्ट 2 में सिलाई करना बताते हैं, तो आप हमारे सारे वीडियो को देखिएगा। हम सिर्फ ब्लाउज नहीं बल्कि सूट, पटियाला, लहंगा सब सिलते हैं, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। और हम इसलिए पार्ट बाय पार्ट बताते हैं क्योंकि जैसे पार्ट 1 में हमने कटिंग कर लिया और उसी पार्ट में हमने स्टिचिंग भी कर लिया, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो देखते देखते बहुत लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट बताते हैं ताकि अच्छे से समझ में भी आए और वीडियो छोटे छोटे बने। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय, बस यू।